हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड फ्लेवर्स बाय प्रीति। तो आज मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता, जो होंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च के साथ घर में बना सकते हैं। इसके स्वाद में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, ये वैसे ही होंगे जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चलिए फटाफट से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता को उबालने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें 5 से 6 ग्लास के करीबन पानी डाल देंगे। तो साथ ही पानी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इससे जो पास्ता है वो आपस में चिपकेंगे नहीं और नमक डालने से जो इसका स्वाद है वो पास्ता में अंदर तक जाएगा। तो बस इसे मिक्स करते हुए हम इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे। तो इसे ढक देते हैं और उबाल आने का वेट करते हैं। पानी में उबाल आ गया है तो अब इसमें मैं डालूंगी 200 ग्राम के करीबन पास्ता। ये इस तरह के लंबे वाले पास्ता मैंने लिए हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर पास्ता को हम सिर्फ 80% ही कुक करेंगे, इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो इसे आधा ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास्ता उबल गए हैं तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। इसे हमें ध्यान रहे 80% ही कुक करना है। तो यहाँ पर मैं चाकू से इसे कट कर देखते हैं। ये देखिए, ये कट हो रहे हैं इजीली, इसका मतलब ये कुक हो गए हैं। यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और पास्ता को निकाल देंगे हम स्ट्रेनर में। तो यहाँ पर पास्ता ओवर कुक ना हो इसके लिए इसे साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे और तब तक कि इसका पानी निथरता है तब तक हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें लेंगे हम 3 टेबल स्पून बटर और साथ ही लेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा और बटर जो है वो समान मात्रा में होना चाहिए। तो इसे लो फ्लेम पर हम हल्का कलर चेंज होने तक भुनेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इनका चेंज नहीं हो करना है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो फ्लेम को लो ही रखिए। तो देखिए मैं किस तरह से इसे भुन रही हूँ। तो अब हम मिलाएंगे इसमें 2 ग्लास के करीबन दूध। दूध आप कच्चा या उबला हुआ कैसा भी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर गैस को बंद कर सकते हैं ताकि लम्स इसमें ना पड़े। तो सॉस को धीरे धीरे मिलाते हुए और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप गैस को ऑन कर लीजिए, जब लम्स इसके ख़त्म हो जाए तो आप गैस को ऑन कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच के करीबन चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच ऑरिगेनो, आधी चम्मच के करीबन काली मिर्च पाउडर और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम आप लो रखिएगा और इसे हम अब गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो आप देखेंगे कि सॉस में एक अच्छी थिकनेस आ गई है। तो यहाँ पर सॉस पकी है या नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चम्मच लूँगी। तो इस तरह से चम्मच को उल्टा चलाएंगे और हम देखेंगे कि इसमें एक अच्छी सी कोटिंग आ रही है। चम्मच पे सॉस की अच्छी कोटिंग आते ही ये इंडिकेशन है कि सॉस अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मैं लूँगी एक पैन, गैस को ऑन कर लेंगे और साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और तेल के गर्म होते ही डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और रफली चॉप किया हुआ एक प्याज, रफली चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और साथ ही डालेंगे स्प्रिंग अनियन, थोड़े से फ्रोजन कॉर्न्स और साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसे हम हाई फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। ध्यान रहे इसे ओवर कुक नहीं करना है, सब्जियों की क्रंचीनेस बनी रहे, बस हमें इतना ही इसे पकाना है। तो सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इन भुनी हुई सब्जियों को जो हमने सॉस बनाई थी उसमें मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसमें मिक्स कर देंगे उबले हुए पास्ता और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो सॉस में हमारे पास्ता अच्छे से कोट हो जाए तो इसे हमें तब तक चलाना है। फ्लेम यहाँ पर आप लो रखिएगा। अगर आपको सॉस थिक लग रही हो तो आप यहाँ पर दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी 2 चीज़ स्लाइसेस, जिससे जो हमारे पास्ता हैं बहुत ही सॉसी और बहुत ही चीज़ी क्रीमी बनेंगे। तो चीज़ को हमें मेल्ट होने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। ये देखिए एकदम चीज़ी और क्रीमी लग रहा है।
तो अब हम रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट हॉट वाइट सॉस पास्ता को करते हैं सर्व। वाओ, तो आपको वाइट सॉस पास्ता की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।